टमटा जी, गड़िया जी, अनिल भाई नोटियाल जी, प्रमोद नैनवाल जी, श्री मोहन सिंह महाराज जी, श्री नरेंद्र बिष्ट जी हमारे ब्लॉक प्रमुख, अनिल साही जी, शिव सिंह बिष्ट जी हमारे फरसवाण जी, शहरी विकास के डायरेक्टर श्री नवनीत पांडे जी, एवं यहाँ पर आए हुए सभी हमारे बैंकों के सभी प्रतिनिधिगण, सभी स्वनिधि योजना से लाभान्वित होने वाले सभी लाभार्थी भाइयों बहनों, एवं आज उनके साथ आए हुए उनके परिवार के सभी हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, मैं सभी का यहाँ मुख्य सेवक सदन में पधारने पर मैं सबका अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ कि आज आप सब से यहाँ पर मिलने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और हमारी नुक्कड़ नाटक करने वाली पूरी टोली जिन्होंने यहाँ पर शानदार अभिनय के माध्यम से बहुत सरल तरीके से अपना प्रस्तुतीकरण करके उन सभी योजनाओं को लोगों के बीच में लाने का, समझाने का प्रयास किया है। आज निश्चित रूप से स्वनिधि योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के जितने भी हमारे आज यहाँ पर लाभार्थी आए हैं, और मैं आप सबको देखकर थोड़ी देर के लिए मैं आप सबके बीच में गया था, आपसे मिला था, देहरादून से, ऋषिकेश से, हरिद्वार से आए हुए लोगों के बीच में मैंने अनुभव किया कि इस योजना से आप सभी को खुशी भी मिली है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से यहाँ पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताया गया, और ये कहीं ना कहीं एक आश्चर्य भी है, और स्वनिधि योजना ने शहरों और कस्बों में जो एक वित्तीय समावेशन और डिजिटल साक्षरता की एक नई लहर चलाई है, और मुझे बड़ी खुशी है कि जिस प्रकार से हमारे रेहड़ी वाले, पटरी वाले, फेरी वाले, ठेली वाले, उन सभी के जीवन को गरिमा और स्थायित्व मिला है। साथ में आप सब लोगों ने जिस प्रकार से डिजिटल को अपनाया है वो अपने आप में बहुत ही, मैं कहूँ कि अभूतपूर्व है, शानदार है। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। अभी 52% हमारा आया है, 52% लोगों ने इस डिजिटल को अपनाया है, और पेटीएम और ये जो हमारा क्या था सुधांशु जी पूछ रहा था, यूपीआई के माध्यम से। तो आने वाले समय में जो अभी नवनीत पांडे जी कह रहे थे कि हमने 100% का लक्ष्य लिया है, मैं बधाई देना चाहता हूँ कि हम इस दिशा में जरूर आगे बढ़ेंगे और 100% का हम लक्ष्य प्राप्त करेंगे। और जब ये योजना आई थी डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी, आप सबको ध्यान होगा कि डिजिटल ट्रांजैक्शन की जब बात शुरू हुई थी तो उस समय बहुत सारे लोग इसको कहते थे असंभव बात, भारत में कैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन हो सकता है, संभव ही नहीं है, यहाँ लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, यहाँ पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, यहाँ पर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, संचार की परेशानियाँ हैं, तमाम प्रकार की जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं हैं, इसलिए ये काम हो ही नहीं सकता, क्यों इस प्रकार की बातें की जा रही हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन की। लेकिन जब देश के लोगों के अंदर और देश को चलाने वाले, नेतृत्व करने वाले, उनकी इच्छा शक्ति और नियत और नीति दोनों ही साफ हो तो कोई काम असंभव नहीं होता है। आज आप लोग 52% पर पहुंचे हैं, और हम पूरे विश्व की बात करें, पूरे विश्व के अंदर आज पूरी दुनिया का 40% डिजिटल ट्रांजैक्शन हमारे देश के अंदर हो रहा है, भारत के अंदर हो रहा है, दुनिया का, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। स्वनिधि योजना निश्चित रूप से जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके स्वरोजगार के लिए, स्वावलंबन के लिए, उनके आत्मविश्वास के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए, इस उद्देश्य से योजना लाई गई। और इसके पीछे
माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच रही है कि हर समाज के अंतिम छोर में काम करने वाले व्यक्ति को भी आगे लाया जाए, उसके जीवन में भी क्रांतिकारी बदलाव लाए जाएं, हर प्रकार से उसका उत्थान हो, आने वाले समय में उनके बीच में से भी जो निकलने वाले हमारे नौनिहाल हैं, हमारे बच्चे हैं, जिनको देखकर आज मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि वो बच्चे विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाके हमारे देश दुनिया का नेतृत्व करें। और मैं एक बात कह सकता हूं आप सब लोगों के बीच में कि देखिए, दुनिया या भारत का जिन्होंने भी इतिहास बनाया है, जिन्होंने भी साधारण से असाधारण की यात्रा पूरी करी है, या जिन्होंने धरती में रहकर आसमान को छूने का काम किया है, वो सारे के सारे लोग बहुत सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में पैदा हुए हैं। उन्होंने जीवन के अभाव को नजदीक से देखा है, उनका सामना किया है, उन अभाव से निकलकर उन्होंने दुनिया को और देश को दिशा देने का काम किया है। आज हमारे हम प्रधानमंत्री जी को देखते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से अपने जीवन को जिया है, जिन स्थितियों में, परिस्थितियों में, जितनी कठिनाइयों में, और आज वो भारत के साथ साथ पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केवल हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं। आप देख रहे होंगे अमेरिका जाते हैं, फ्रांस जाते हैं या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, दुनिया के किसी देश में भी जाते हैं तो प्रधानमंत्री जी का जिस प्रकार से आतिथ्य होता है, जिस प्रकार से उनका सत्कार होता है, जिस प्रकार से लोग वहां पर उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, ये केवल प्रधानमंत्री जी का ही आतिथ्य और उनका ही स्वागत नहीं हो रहा है बल्कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में भारत के 140 करोड़ लोगों का आतिथ्य और सत्कार हो रहा है। हम सब गौरवान्वित हो रहे हैं, भारत का एक एक व्यक्ति आज जो है इस बात से गौरवान्वित हो रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर हमारा मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ रहा है, भारत की पहचान बढ़ रही है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा पहले के समय में भी गरीब आदमी बैंक के भीतर जाने की सोच भी नहीं रखता था, और उन्होंने आते ही सबसे पहले सबके खाते खुलवाए, और खाते ही नहीं खुलवाए, जो गरीब तबके का व्यक्ति होता था वो बैंक के अंदर जाता ही नहीं था, खाता तो बहुत दूर की बात है, वो सोचता भी नहीं था। लेकिन आज हमारे बैंक आपके पास चलकर आ रहे हैं। का जिक्र किया और सीएम पुष्कर सिंह धामी का संबोधन आप सुन रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी उन्होंने जिक्र करा और कहा कि मन की बात कार्यक्रम में लाभार्थियों से सीएम ने जब संवाद किया तो जिस तरीके से बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बाहर जाते हैं तो जिस तरीके से उनका स्वागत होता है और ये शान सीधे तौर पर भारत की है और भारत की पहचान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए बढ़ रही है, इस बात का जिक्र जो है सीएम धामी की तरफ से किया गया। तो स्वनिधि योजना से लोगों को लाभ मिल रहा है तो सरकार की तरफ से जो तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं का जिक्र जो है सीएम धामी की तरफ से किया गया और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को भी यहां पर सुना गया सभी के जरिए और देश में भारत की पहचान बढ़ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बदौलत, इस बात का जिक्र जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में किया। तो मन की बात कार्यक्रम में लाभार्थियों से सीएम का संवाद अभी आप सुन रहे थे जहां पर स्वनिधि योजना से लोगों को लाभ मिल रहा है, सीएम धामी ने इस बात का जिक्र किया।